जल की, श्री राधा रानी सरकार की। आज मेरे गोविंद ने ऐसी कृपा की कि द्वारपालों ने आकर के कहा कि हे द्वारिकाधीश, आपके द्वारपाल, आपके जो द्वार हैं, उन द्वार के पास एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है और याचना कर रहा है आपसे मिलने के लिए, और नाम बताया है सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम को सुना, भगवान द्वारिकाधीश वहां से दौड़े और दौड़ करके भगवान द्वारिकाधीश ने अपने मित्र, अपने सखा को गले से लगा लिया। कहीं पर पटका गिरा है, कहीं चरण पादुका पड़ी हुई है, भगवान को कुछ भी ध्यान नहीं कि वह द्वारिकाधीश हैं। अपने मित्र को गले से लगा के, मित्र मित्र आओ, मित्र आओ, अपने ही सिंहासन पर ब्राह्मण को बिठाला है, भक्त सुदामा को बिठाला है। मित्र, मेरी याद नहीं आई, इतने वर्षों बाद मिलने के लिए आए हो। सुदामा जी महाराज रो रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी रो रहे हैं, दोनों की क्या मनस्थिति है। जैसे एक भक्त का मिलन होता है भगवान के साथ, वैसे भगवान का मिलन एक भक्त के साथ हो रहा है। ये भक्त सुदामा है, भक्त सुदामा। रुक्मणी जी से कहा, जाओ, जाकर जल लेकर के आओ, मुझे अपने मित्र के चरणों को धुलना है, विप्र के चरणों को धुलना है। पानी परात को हाथ छो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए, नयनन के जल सो पग धो। आज गोविंद ने रो रो करके अपने अश्रु धारा से सुदामा जी के चरणों को धुला, और सुंदर सुंदर नए वस्त्रों को निकाल करके आज सुदामा जी को अर्पण किए। मित्र, तुम इन वस्त्रों को धारण करो। भोजन के लिए सुंदर सुंदर 56 भोग लाए गए। सुदामा जी जब भोजन करने के लिए बैठे तो एक कौर उठाया, और जब खाने लगे तो ध्यान आई, मेरे पुत्र भी भूखे हैं, मेरी पत्नी भूखी है। कन्हैया समझ गए, कन्हैया इशारों इशारों में कह रहे हैं, चिंता मत करो, उनकी व्यवस्था मैंने सब कर दी है। भोजन करने के बाद आज सुदामा जी महाराज बैठे, भगवान कृष्ण सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं। मित्र, इतने दिनों बाद आए हो, आज भगवान भक्त की सेवा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो हर्ष्व तंत्र एव द्विज, मैं भक्त के अधीन हूँ। और देखा कि जब से आए हैं सुदामा जी, पोटली अपने कांख में दबा करके बैठे हैं। उस पोटली को भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी की कांख से बाहर निकाला और निकाल करके खोले, और जैसे खोलने लगे, सुदामा जी कहने लगे, मित्र मत खोलो। अरे, भगवान भक्त वत्सल कहने लगे, मेरी भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेजा है। नहीं नहीं मित्र, अगर तुम इसको खाओगे, तुम्हारे पेट में दर्द होने लगे, कच्चे चावल हैं। कहां तुम द्वारिकाधीश 56 भोग खाने वाले इस गरीब के घर का इस चावल खाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा चावलों की ओर, चावलों के रंग को देखकर समझ गए कि घर में क्या स्थिति है। भगवान श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल ली, और एक मुट्ठी चावल लेकर मेरे गोविंद ने पान कर लिया। इति मृष्टिम सकृत जत्वा द्वितीयाम जगदुमादते ताव श्री जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। फिर भगवान ने दूसरी मुट्ठी उठाई, और दूसरी मुट्ठी भगवान ने ले करके पान कर ली। जब दो मुट्ठी भगवान ने पान की,
तीसरी मुट्ठी जैसी उठाई रुक्मणी जी ने आकर हाथ पकड़ लिया। कहने लगी रुक्मणी जी, अरे द्वारिकाधीश, भाव में बहकर के ये मत भूल जाना 16108 आपकी रानियां हैं। आप तो भक्त को सब कुछ लुटाना जानते हो, आप अपने भक्त को सर्वस्व देना चाहते हो। दो मुट्ठी में गोविंद आपने दो लोक सौंप दिए, आज खुद सुदामा बनने जा रहे हो। आज सुदामा को गोविंद ने द्वारकाधीश बना दिया और द्वारकाधीश मानो आज खुद सुदामा बन रहे हैं। मित्र, तुम्हारी भक्ति को देख करके, तुम्हारी निष्ठा को देख करके मैं प्रसन्न हो गया। क्वाहम दरिद्र पापी यान क्वा कृष्णा श्री निकेतनः ब्रह्म बंधु रितिस्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। आज श्री सुदामा जी महाराज कह रहे हैं मानो, मित्र जब से तुम मुझे मिल गए मेरे जीवन में दरिद्रता खत्म हो गई। भगवान ने आज सुदामा जी को सब लोगों का सुख दे दिया, लेकिन जब सुदामा जी चलने लगे तो सुदामा जी के मन में एक भाव आया कि मित्र ने मुझे अभी कुछ दिया नहीं, एक विप्र आया है, ब्राह्मण आया है, शायद कुछ दे। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुट्ठी बंद की हुई थी, मुट्ठी खोल करके कहने लगे, जाकर के मेरे भाभी को राम राम कह देना। सुदामा जी महाराज पोरबंदर पहुंचे, वहां जाकर के अपनी कुटिया के पास खड़े हुए तो कुटिया दिखाई नहीं दी, महल दिखाई दिए जैसे द्वारिकापुरी में बने हुए थे। आसपास लोगों से पूछने लगे, यहाँ एक गरीब ब्राह्मण सुदामा जो रहता था, उसकी धर्मपत्नी सुशीला वो यहाँ रहती थी, उसके बच्चे वो कहाँ गए? अंदर से आवाज आई, हे पतिदेव अंदर आ जाइए, आप ही का घर है। सुशीला तुम? सुशीला सुंदर वस्त्रों को धारण करके अच्छा शरीर भी बन गया था। सुदामा जी जब अंदर गए तो कहने लगे, मुझे सुख नहीं, मुझे तो कृष्ण की भक्ति चाहिए। सुशीला ये राजपाट तू रख ले, मैं तो चला कृष्ण की भक्ति में, ये भक्त के लक्षण। अंदर से आवाज आई भगवान श्री कृष्ण की, मित्र मैं भी यही हूँ, किसको ढूंढने जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास हूँ। ये भक्ति की पराकाष्ठा है प्यारे। गोविंद जब देते हैं तो इतना देते हैं कि आपकी जो झोली है छोटी पड़ जाएगी, लेकिन गोविंद के देने में कभी भी देरी नहीं हो सकती। ऐसे मेरे गोविंद की प्यारे कृपा है। कृपा वत्सलता की तो बात ही मैं क्या करूं। गोविंद जब कृपा करते हैं तो सारे कष्टों को हर लेते हैं। जब होती है खुशियां सारी दुनिया हमारे पास होती है। जब होती है खुशियां तो सारी दुनिया हमारे पास होती है। खुशामतों की टोली प्यारे आस पास ही होती है। खुशामतों की टोली आस पास ही होती है। पर याद रखना मेरे प्यारे, पर याद रखना मेरे प्यारे, जब आती है मुसीबत तो मेरे कान्हा की कृपा ही हमारे पास होती है, हमारे पास होती है। तब ना मित्र होते हैं ना सगे संबंधी होते हैं, कोई नहीं होता प्यारे। तरस गए बांके बिहारी तेरे दीदार को, तरस गए बांके बिहारी तेरे दीदार को, दिल फिर भी आपको ही याद करता है, दिल फिर भी आपको ही याद करता है। हमसे अच्छा तो आपके चौखट का ये पर्दा है, जो रोज आपका दीदार किया करता है, दीदार किया करता है। गोविंद रज बनाओ तो मुझे वृंदावन की बनाओ, अगर पत्थर बनाओ तो अपनी चौखट का पत्थर बनाओ, और अगर पर्दा बनाना है गोविंद तो अपनी चौखट का पर्दा बना दो। अरे प्यारे, पशुओं की चमड़ी तो काम में आ जाती है, मनुष्य की चमड़ी कभी किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं। भक्तों पर तो कोई ना कोई विघ्न आते ही रहे हैं। एक परम भक्त था भगवान का, नाम था नामदेव। नामदेव की भक्ति आहा, एकादशी व्रत की इतनी बड़ी निष्ठा, एकादशी का व्रत करना और एकादशी के प्रति अपनी निष्ठा रखना, ये नामदेव जी के नियम थे।
एक तो नाम निष्ठा, एक होता है तुलसी मैया का पूजन करना तुलसी निष्ठा, और एक होता है एकादशी निष्ठा। तीन निष्ठा होती है। नामदेव जी महाराज की निष्ठा थी एकादशी व्रत में। श्री नामदेव जी महाराज भगवान का पूजन कर रहे थे कि उसी समय एक वृद्ध, वयोवृद्ध, लगभग 125 वर्ष की आयु होगी, इतने वयोवृद्ध, हाथ में डंडा लेकर के द्वार के पास आकर आवाज लगा रहे हैं, कोई घर में है, मुझे वृद्ध को भोजन करा दे, मुझे वृद्ध को भोजन करा दे। श्री नामदेव जी पूजन कर रहे थे, पूजन करते हुए नामदेव जी ने आवाज लगाई, हे विप्रदेव, आपका स्वागत है, अंदर आइए, अभी ठाकुर जी की सेवा ही चल रही है। बहुत अच्छे समय पर आगमन हुआ। उस समय नामदेव जी ने शालिग्राम जी का पूजन करके रखा, गोविंद का पूजन किया। पंडरपुर में नामदेव जी महाराज रहते थे और पांडुरंग भगवान विठल नाथ पर उनकी अपार श्रद्धा थी। हे विठल प्रभु, आप ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि आपके चरणों की मुझे भक्ति हमेशा प्राप्त हो। आज भगवान विठल देव रूप बनाकर ब्राह्मण का आए थे, 125 वर्ष की आयु, और कह रहे हैं, अरे भक्त, जल्दी से कुछ भोजन खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है। नामदेव जी ने कहा, भोजन नहीं मिलेगा, ये मजीरा लो, भगवान का भजन करो, आज एकादशी है, और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते हैं। जो अन्न खाता है तो वो पाप के भाग को खाता है। अन्न खाने का दोष होता है, मांस के समान शास्त्र में कहा गया है, जो एकादशी के दिन अन्न खाए या चावल खाए। आज मजीरा दे दिया हाथ में, भयो वृद्ध बैठे बैठे मन में विचार करने लगे कि आज लगता है इस भक्त के घर से मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अरे भक्त, बहुत भूख लगी है, तेरे दर पर आज मर जाऊंगा, तुझे ब्राह्मण हत्या का दोष लगेगा। तू एकादशी व्रत की निष्ठा करता है और एक ब्राह्मण तेरे दर पर आया है, उसको भोजन भी नहीं दे रहा है। सुबह से शाम हो गई, जो प्रसाद था यही निवेदन किया कि मैं तो एकादशी को केवल जल पी करके ही व्रत करता हूँ, कुछ नहीं खाता, और इसी प्रकार है ब्राह्मण देव, आप भी व्रत किया करो। तो नामदेव जी की जो भक्ति थी, आ हा हा हा, क्या नामदेव जी की भक्ति। लेकिन आज वही वयोवृद्ध सुबह से शाम तक भूखे रहने के कारण उनकी मृत्यु हो गई उसी घर में। आज नामदेव विचार करने लगे, आज ब्राह्मण ने मेरे घर में शरीर का त्याग कर दिया। लोगों ने आकर के कहा, नामदेव, तू भक्त बना घूमता है, अपने आप को भक्त कहता है, किस बात का तू भक्त है? तेरे घर पर एक ब्राह्मण आया, उसको तूने भोजन नहीं कराया। नामदेव ने कहा, मेरी तो श्रद्धा एकादशी निष्ठा में है, एकादशी के दिन मैं भोजन कैसे करा सकता, लेकिन मेरे घर में मृत्यु हुई, दोषी मैं हूं। अगले दिन चिता बनाई गई और चिता के ऊपर नामदेव स्वयं जाकर के बैठ जाते हैं, उस वयोवृद्ध ब्राह्मण को अपनी गोद में लिटा लेते हैं और कहते हैं, प्रभु, अगर मैंने आपका सच्चे मन से एकादशी व्रत निष्ठा की है तो आप कृपा करें, और आज ऐसी एकादशी निष्ठा हुई प्यारे कि जैसे अग्नि लगाई, अग्नि लगाते ही इतनी जोर से अग्नि जलने लगी, नामदेव जी का एक रोम भी नहीं जला, और जो गोद में लेटे हुए ब्राह्मण थे खड़े हो गए, और विठल नाथ, मेरे प्रभु पंडरपुर वाले विठल नाथ, आज नामदेव का हाथ पकड़कर अग्नि से बाहर लेकर के आए। अरे भक्त, क्या करता है, अग्नि तुझे जला देगी। नामदेव कहता है, प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया, जब आप मेरे साथ में हैं तो मेरी चिंता की तो कोई बात है ही नहीं, गोविंद,
क्योंकि दुनिया आपने बनाई है, सब कुछ आपने गोविंद किया है। जो एकादशी निष्ठा करते हैं स्वयं गोविंद उनके ऊपर कृपा करने के लिए वहां पधारते हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। आज जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी इस कथा का विश्राम दिवस है और आज हमारे महाराज जी आचार्य बलराम जी महाराज का जन्मदिन भी है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पे अमृतसर से हमारे श्रीमान रमेश भैया जी और उनकी धर्मपत्नी साक्षी भाभी जी और हमारे दिनेश भैया जी और उनकी पूरी फैमिली, मैं निवेदन करूंगा कि वह आए महाराज जी को वह माल्य अर्पण कर उनको सम्मानित करें और जन्मदिन की बधाई देने के उपलक्ष्य पे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज बहुत ही कृपा हुई है उनके ऊपर, महाराज जी को माल्य अर्पण करते हुए जन्मदिन की बधाई देते हुए श्रीमान रमेश शर्मा जी। बांके बिहारी की कृपा सदैव इनके ऊपर बनी रहे और आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर पधारे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान दिनेश शर्मा जी पधारें और माल्य अर्पण करें। आज गुरु जी के जन्मोत्सव पर श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे हैं दिनेश शर्मा जी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कथा में जैसा कि आपको पता है कोरोना के चलते हुए यहाँ पर आना तो संभव नहीं है, परंतु बिहारी जी की कृपा हो गई है, राधा रानी की कृपा। आज इस अवसर पर महाराज जी के जन्मोत्सव पर विशेष हमारे आज के कथा के यजमान महाराज जी के पास पहुँचे, ये महाराज जी को कुछ भेंट करते हुए। अब मैं अधिक समय ना लेते हुए हमारे इस कथा के समस्त यजमानों को मैं एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सभी को बहुत बहुत व्यासपीठ से आशीर्वाद, भगवान आपके सभी मनोरथ को पूर्ण करें। आइए अब मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा वह कथा की ओर आपको पुनः लेके चलें। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोली श्री राधा रानी सरकार की। आज अमृतसर से, उस पवित्र भूमि से, पंजाब की उस पवित्र भूमि से श्रीमान दिनेश शर्मा जी, श्रीमान रमेश शर्मा जी, समस्त शर्मा परिवार यहाँ उपस्थित हैं। हम तो बड़े आश्चर्य में आ गए थे, इतनी दूर से आना संभव नहीं ऐसे समय पर, परंतु दिनेश जी ने कहा गुरुदेव मैं आपके जन्मदिन पर आना चाहता हूँ, आदेश होगा मैं जरूर पहुँचूँगा। तो आज बिहारी जी की कृपा हुई तभी ब्रज भूमि में और भागवत जी के सप्तम दिवस पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये भागवत जी की सबसे बड़ी महती कृपा, क्योंकि बिना भागवत जी की कृपा के कोई भी काम संभव नहीं है इस जगत में, ये भागवत जी की सबसे बड़ी कृपा। व्यासपीठ से आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभाशीष और आशीर्वाद कि सदैव राधा रानी श्री जी आप सभी पर यूं ही कृपा दृष्टि बनाएं और आपका सदैव मंगल हो और जिस काम में भी आप हाथ डालें वह आपके लिए सफल हो, सार्थक हो,
भगवत भक्ति की ओर हमेशा आपका मन रहे, चिंतन की ओर मन रहे, ये राधा माधव की कृपा। नल बंद करने से नल बंद होता है पानी नहीं, नल बंद करने से नल बंद होता है पानी नहीं, उसी प्रकार घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है समय नहीं, प्रेम करने से प्रेम मिलता है नफरत नहीं, उसी प्रकार दान करने से अमीरी बढ़ती है गरीबी नहीं, गरीबी नहीं। जब हम कोई भी सत्कर्म में कुछ धन लगाते हैं, व्यक्ति भगवान के सामने जब मांगने जाता है तो खूब लंबी लिस्ट रखता है, लेकिन जब कुछ चढ़ाना होता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है कि क्या जेब में सिक्के पड़े हैं क्या दान पेटी में डालने के लिए। ये व्यक्ति का स्वभाव होता है कि जब दान करना होता है तो व्यक्ति सिक्का ढूंढने लगता है। एक जगह पर कथा हो रही थी, ब्राह्मण देवता कथा कर रहे थे, आज मंगलवार का दिन है, एक बड़ी सुंदर हनुमान जी की कथा है। श्री हनुमान जी के मंदिर में, राम जानकी के मंदिर पर भागवत कथा विप्रदेव कर रहे थे, और कथा करते हुए मन में यही विचार कि मुझे अपनी कन्या का विवाह करना है, कहीं से 100 रुपए मिल जाएं, 100 रुपए में विवाह हो जाते थे पहले के समय में। तो राम जानकी मंदिर में प्रणाम करके कहने लगे, राम जी ऐसी कृपा करो कि इस कथा से ही मेरी बेटी का विवाह हो जाए, इतना धन मिल जाए। राम जी ने हनुमान जी से कहा, ब्राह्मण ने आकर के अपनी पुत्री के लिए मांगा है, तो हनुमान जी तुमने व्यवस्था करनी है 100 रुपए की। एक सेठ जी परिक्रमा लगा रहे थे जानकी जी की, राम जानकी मंदिर में, उन्होंने हनुमान जी की और राम जी की वार्ता सुन ली। अच्छा, राम जी ने कहा 100 रुपए, तो क्यों ना पंडित जी के साथ मैं एक वार्ता कर लूं कि 50 रुपए में उन्हें मना लूं, तो 50 रुपए का मुझे फायदा हो जाएगा। ब्राह्मण के पास जाकर के कहने लगे, हे विप्रदेव, आपको मैं 50 रुपए दूंगा, लेकिन 7 दिनों तक जो भी सेवा रहेगी वो मेरी है, वो मुझे ही प्राप्त होगी। आ हा हा, आज कृपा देखिए, 7 दिनों तक कथा हुई, कथा होने के बाद कथा में कितना चढ़ा, केवल 29 रुपए कथा में 7 दिन में चढ़े। आज सेठ जी 50 रुपए ब्राह्मण को दिए और राम जानकी मंदिर पहुंच करके हनुमान जी से लड़ने लगे, हनुमान जी की मूर्ति को पकड़ा और हिलाने लगे और कहने लगे, हनुमान जी आपको राम जी ने कहा था ब्राह्मण को 100 रुपए दिलाना और आपने ये क्या कर दिया, 29 रुपए दिलाए उसको। हनुमान जी ने सेठ का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, 50 तो मैंने दिला दिया, 50 की व्यवस्था तेरे से और करनी है। हनुमान जी ने जैसे ही सेठ को कहा, सेठ ने कहा, अरे प्रभु हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, चांदी का गदा बगल में रखा हुआ तो लोगों ने कहा लगता है चोरी कर रहा है ये सेठ। हनुमान जी ने कहा, थोड़ी सी देर अगर तुमने की तो चोरी का नाम तेरा ही लगेगा, बोल जल्दी से कि ब्राह्मण को 50 रुपए और देगा, नहीं तो अभी अभी सब लोग आएंगे और तेरी पिटाई करने लगेंगे। सेठ ने कहा, हनुमान जी मेरा हाथ छोड़ दो, 50 रुपए मैं दे दूंगा। तो हनुमान जी ने कहा, मैंने कहा था राम जी को कि 100 रुपए की व्यवस्था करनी है, 100 की व्यवस्था मैंने ब्राह्मण की कर दी, किस भांति करनी है ये मेरी इच्छा, राम जी ने तो मुझे सेवा दी थी। तो प्यारे, भगवान जब कोई सेवा को लेते हैं तो कितना भी भागने का प्रयास क्यों ना करो, अपने आप वह अवसर आपके पास आ जाता है। कोई प्रेम से उस काम को करता है तो कभी कभी ठाकुर जी थोड़ा हनुमान जी उसकी बाजू घुमा करके काम करवा लेते हैं। तो भगवान जब इशारा करे तो समझ जाना, कोई सत्कर्म हो तो सत्कर्म में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़कर हमें सहयोग करना चाहिए। आज श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित से, हे राजन, आज भगवान ने एक सुंदर लीला की, इच्छा थी वसुदेव जी और देवकी मैया दोनों को लेकर के मैं यशोदा नंदरानी से मिलाऊं,
और नंद बाबा से भी खुद मिलो। तो कुरुक्षेत्र में यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में नंद रानी, माँ यशोदा, नंद बाबा और स्वयं राधा रानी भी आई। रुक्मणी जी, सत्य भामा सभी गर्म दूध लेकर राधा रानी के लिए आई। हमने सुना राधा रानी बहुत सुंदर हैं, तो रुक्मणी जी सत्य भामा जैसे ही उस पांडाल में प्रवेश करती हैं तो एक गोपी दिखाई दी। सोचने लगी यही राधा रानी, राधा रानी देखो हम आपके लिए दूध लाए हैं। दासी कहने लगी मैं राधा रानी नहीं, राधा रानी तो अंदर है। सत्यभामा देखने लगी जब दासी इतनी सुंदर है तो राधा रानी कितनी सुंदर ना होंगी। दूसरी एक दासी मिली तो उसको देखकर रुक्मणी जी कहने लगी राधा रानी आप ही है ना, मैं आपके लिए भगवान का प्रसाद लाई हूँ, दूध लाई हूँ। दासी ने कहा रानी मैं तो दासी हूँ, अंदर है वो महारानी, ब्रज की रानी राधा रानी। अंदर जा कर के देखा कितनी सुंदर मेरी राधा रानी, तीन लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी। जिनको देख करके एक ही मन में भाव आता है राधा रानी आप हमारी हो। आज रुक्मणी जी आगे पहुंची और जा करके राधा रानी को वो प्रसाद दिया और कहा ये श्री कृष्ण ने भेजा है। इतना सुनते ही वो गर्म दूध भी राधा रानी ने ग्रहण कर लिया, गर्म दूध ग्रहण कर लिया। ये भक्तों की भक्त वत्सलता है। भगवान का नाम लेकर के मीरा ने विष का पान कर लिया और श्री राधा रानी जी ने उस गर्म दूध का पान कर लिया, लेकिन कहीं भी छाले नहीं पड़े, कहीं भी छाले नहीं पड़े। हो तीन लोकन ते न्यारी हो राधा रानी हमारी, तीन लोकन ते न्यारी 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 राधा राधा रानी हमारी, लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी। सनकादि ते रोजस गावे, सनकादि ते रोजस गावे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु इंद्र लगावे फुहारी राधा रानी हमारी, लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी। श्री राधा रानी सरकार की बारे जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले
की वर्धा कृपा करो महारानी राधा रानी हमारी तेरो लोक ने ते रानी राधा रानी हमारी रानी हमारी 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 राधा रानी हमारी तीन लोगन दे न्यारी राधा सर्वेश्वरी जगत कल्याणी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी ब्रज की मलकिन राधा रानी ब्रज की मलकिन राधा जहाँ कोई न रहता भिखारी राधा रानी हमारी तीनों लोग ने दे न्यारी राधा रानी हमारी रानी हमारी राधा रानी हमारी रानी हमारी राधा रानी हमारी रानी तीनों लोगन ते न्यारी ओ राधा रानी हमारी जहाँ कोई न रहता भिखारी राधा रानी हमारी जहाँ कोई न रहता भिखारी राधा रानी हमारी हम दिनों की अगर कोई सुनता है तो वो श्री राधा रानी है जिनका कोई नहीं होता उनकी राधा रानी होती है। आज भगवान इतनी सुंदर लीला करते हैं राधा रानी को पिलाया हुआ दूध है और भगवान के चरणों में छाले पड़ जाते हैं। रुक्मणी सत्यभामा ने आकर के देखा प्रभु आपके चरणों में छाले कहीं आप नंगे पैर कहीं चले तो नहीं गए रेत में पैर तो नहीं रख दिए आपने। भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं
हे सत्यभामा जो अभी अभी करके आई हो, राधा रानी को गर्म दूध पिलाया, अरे उसके हृदय में तो मैं वास करता हूं, राधा कृष्ण दोनों एक हैं, राधा बिन अशोभित नित में रहता केवल कृष्ण, राधा संग शोभित तो होकर बन जाता हूं राधे कृष्ण। भगवान कहते हैं कि बिना राधा के मैं अशोभित हूं, मेरा कोई मूल्य नहीं, और जब राधे के संग हो जाऊं तो मेरा मूल्य बढ़ जाता है, तो मैं राधे कृष्ण हो जाता हूं। तो गर्म दूध पिया राधा रानी ने, छाले पड़ गए मेरे। लोग कहते हैं राधा रानी के साथ विवाह नहीं हुआ, अरे भांडीर वन में स्वयं ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया है, जाकर देख लो। राधा रानी कोई प्रेमिका नहीं है कि कोई भी फिल्म वाले कुछ भी गाना बनाने लगते हैं, ये मूर्ख होते हैं। अरे पहचान कर तो देखो उनकी कृपा को, उनकी दया को। अगर आज ठाकुर जी ब्रज में हैं तो केवल किशोरी जी की कृपा से हैं। प्रेम हो तो किशोरी जी जैसा होना चाहिए, हमारी राधा रानी जैसा होना चाहिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भांडीर वन में राधा रानी जी के साथ विवाह किया, अनेक लीलाएं की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं देवकी के 6 पुत्रों को ला करके भगवान श्री कृष्ण ने मिलाया, सुभद्रा का हरण स्वयं करवाया, अर्जुन को कहा चिंता मत करो बलराम जी को मैं देख लूंगा, तुम सुभद्रा को लेकर भाग जाओ। खुद भी भाग के शादी की और सबकी शादी भी भाग भाग के कराई। बलराम जी की भी शादी हुई तो कैसी हुई, रैवत राजा की पुत्री रेवती जी के साथ। बोलो राधे राधे। अमृतसर के सभी भक्त मुस्कुरा रहे हैं, चिंता मत करो गुरु जी अभी अकेले हैं, अकेले अच्छे। ठाकुर जी विवाह कर रहे हैं, ठाकुर जी विवाह कर रहे हैं तो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ठाकुर जी के विवाह उत्सव में इतना आनंद है। तो श्री बलराम जी का विवाह हो गया रेवती जी के साथ। आगे तीनों देवों में कौन श्रेष्ठ हैं, ऐसा मन में विचार आया और श्री भृगु जी महाराज पहुंचे भोलेनाथ के पास, परीक्षा लेने लगे। भोलेनाथ जी से कहा देखो तो अपनी धर्म पत्नी को साथ में लेकर भोलेनाथ आप बैठे हो, गले में सर्पों की मालाएं, भांग धतूरा खा करके डोलते रहते हो, आपका कोई घर भी नहीं है, कोई कभी भी आता है कभी भी चला जाता है, कोई घर बनवा लो। शंकर भगवान को क्रोध आया, भैया मुझे आकर शिक्षा दे रहा है ये ब्राह्मण, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। भृगु जी समझ गए भोले बाबा को क्रोध आता है, ज्यादा नहीं बोलेंगे, तीसरी नेत्र खुल जाएंगे, भस्म ना हो जाएं। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से कहने लगे देखो लोगों के पास एक मुंह नहीं है, तुम्हारे पास 4 हैं, कोई काम नहीं है ब्रह्मा जी आपको, केवल सृष्टि की रचना करते रहते हो। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, ये मेरी बुराई कर रहा है कि बड़ाई कर रहा है। भृगु जी महाराज यहाँ पर समझ गए कि ब्रह्मा जी ने भी क्रोध को नहीं जीता, तपस्या की भगवान नारायण से मिलने के लिए गए, भगवान नारायण नहीं आए, तो यहाँ पर भृगु जी को लगा कि नारायण भगवान के अंदर भी अहंकार है, तो गए क्षीर सागर के अंदर, भगवान शयन कर रहे थे क्षीर सागर में। सयानम श्री उत्संगे पदावक्षस्यताडयत तत उत्थाय भगवान सा लक्ष्म्या सताम गति। भगवान सो रहे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, भृगु जी महाराज क्रोध में आकर के अपने दोनों पैरों से भगवान के वक्षस्थल पर प्रहार किया, छाती पर प्रहार किया। भगवान नारायण उठे और ब्राह्मण के चरणों को पकड़ लिया, दबाने लगे। लक्ष्मी जी कह रही प्रभु क्या कर रहे हो, इस दुष्ट ब्राह्मण ने आकर के आपको मारा, चरणों का प्रहार किया और आप इसके चरण दबा रहे हो, हे नारायण ये क्या कर रहे हो। भृगु जी महाराज देखने लगे हे कृपालु हे नारायण आप कितने कोमल हो, मैंने आपको मारा चरण प्रहार किया,
आप क्रोधित नहीं हुए, आप मेरे चरण दबा रहे हो। भगवान कह रहे हैं ब्राह्मणों, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि तुम मेरी नित्य स्तुति करते हो, हवन यज्ञ करते हो। अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने इत्युक्त्वा विप्रचरणौ मर्दयेन स्वेन पाणिना। मेरा वक्षस्थल तो पहाड़ के समान है, क्योंकि मेरे अंदर ब्रह्मांड लुढ़कते रहते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता आपके चरण प्रहार का, लेकिन आपके चरण कोमल हैं। आज से मैं आपके चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण करता हूँ। जब आप भगवान के विग्रह का दर्शन करेंगे, जिनके घर में लड्डू गोपाल होंगे, तो कभी देखना भगवान के वक्षस्थल पर चरण चिन्ह बने होंगे। कभी विचार किया किसके हैं? ये भृगु जी महाराज के चरण चिन्ह हैं, जो भगवान ने अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिए। लक्ष्मी जी ने श्राप दिया, भृगु तुझे अपने ज्योतिष विद्या पर अभिमान है, कलयुग आते आते वो भी नष्ट हो जाएगी विद्या। तो ज्योतिष विद्या आज क्षीण हो चुकी है, ज्योतिष शास्त्र छह शास्त्र में से एक अनूठा शास्त्र है प्यारे। आज भगवान नारायण ने भी लक्ष्मी जी को श्राप दिया, मेरे ब्राह्मण भक्तों को श्राप देती हो, जाओ आज से इन्हीं ब्राह्मण के चरणों पर तुम्हारा वास होगा। जो भी ब्राह्मणों के चरण को छुएगा उसके घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो लक्ष्मी का वास ब्राह्मणों के चरणों में होता है, इसीलिए हमेशा चरणों को छूना है, घुटनों को नहीं। बोलो राधे राधे। कभी भी संतों को गुरुजनों को प्रणाम करो तो दंडवत होकर प्रणाम, डंडे के समान, डंडे के समान लेट जाओ, चरण स्पर्श करना भी नहीं, लेट जाओ तो उनका कृपा भरा वरद हस्त आपको स्पर्श करेगा। जो चरण छूने से भी शायद स्पर्श ना हो, आपके सर पर हाथ ना जाए, लेकिन जब दंडवत हो जाओगे तो अपने आप गुरु कृपा, संत कृपा, विप्र कृपा हो जाएगी। स्त्रियों को कभी भी दंडवत होकर प्रणाम नहीं करना चाहिए, पुरुषों को हमेशा दंडवत प्रणाम करना चाहिए, चरणों में प्रणाम करना चाहिए, ये विधान है। भगवान के पास लोग मंदिर में जाते प्रणाम करना नहीं आता, कई लोग ऐसे 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 करते रहते हैं, किसी को ऐसे करने में भगवान को याद कर रहे हैं। भैया भगवान को याद किया जाता है प्रणाम करके, ये संस्कृति हमें सिखाती है, दूर रखना संस्कृति नहीं है। दूसरे पंथों को मत अपनाओ, सनातन धर्म में जन्म लिया है सनातनी बनो, एक ही धर्म है बाकी कोई धर्म नहीं है। एको धर्म द्वितीयो नास्ति, चला लक्ष्मीश चला प्राण चला जीवित मंदिरे, चला चले तु संसारे धर्म एको ही निश्चला। धर्म हमेशा निश्चल रहता है, लक्ष्मी चलायमान है, कभी किसी के पास तो कभी किसी के पास। आज सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन शकुनी का पुत्र हुआ भस्मासुर, और भस्मासुर ने भगवान भोलेनाथ से एक वरदान प्राप्त कर लिया, जिसके सर पर हाथ रखोगे जलकर भस्म हो जाएगा। सोचने लगा ये जो बाबा जी ने वरदान दिया है, इनका टेस्ट कर लेता हूँ सही है या गलत है। कलयुगी व्यक्ति जो होता है बड़ी जल्दी शक करता है, और डाउट तो इतनी जल्दी आता है पूछो मत। एक छोटा सा डाउट है, एक छोटा सा डाउट। तो आज भस्मासुर ने कहा कि आपने वरदान तो मुझे दे दिया, लेकिन प्रयोग करके देखना पड़ेगा कि चलता है कि नहीं चलता है। भोलेनाथ के ऊपर हाथ रखना, भोलेनाथ, अरे बाबा रुक तो, मैंने तुझे वरदान दिया, तू मुझे ही भस्म कर रहा है। भगवान भागने लगे, भगवान भोलेनाथ याद कर रहे हैं, हे प्रभु नारायण मेरी रक्षा करो, ये तो आज मुझे ही जलाकर भस्म कर देगा। भगवान ने मोहिनी रूप को धारण करके आज रक्षा की, और उसी भस्मासुर को उसी के हाथों जला करके भस्म कर दिया। तीनों देवों की श्रेष्ठता बताई, ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को ला करके भगवान श्री कृष्ण ने सौंपा। आइए अब हम एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की,
कहते हैं भगवान का वंश धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा तो भगवान ने एक लीला की कि अब यदुकुल का यदुवंश का विनाश भी आवश्यक है क्योंकि कलयुग आने वाला है। कृत्वा दैत्यवधम कृष्णा सरामो यदुभिर्वृताः भुवो वतार्यत भारम जविष्टम जनयन कलीम। आज सप्त ऋषि पहुंचे द्वारिका, नारद जी भी वहां पहुंचे और आज सांब ने अपने पेट में कपड़ा बांधा और ऋषियों के पास सभी पुत्र जाकर कहते हैं महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं, थोड़ा ये बताओ कि हमारे इस बहू के लड़का होगा कि लड़की होगी, क्या होगा, थोड़ा दिव्य दृष्टि से बताइए। कई लोग ऐसे परीक्षा लेने वाले भी होते हैं। ऋषि मुनियों ने नेत्रों को बंद किया और नेत्रों को जब खोला तो कहने लगे भगवान श्री कृष्ण के तुम पुत्र पौत्र हो लेकिन तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। तुम पूछ रहे हो कि इसके गर्भ में क्या है। प्रष्टुम विलज्जति साक्षात प्रभूता मोग दर्शना प्रोशोष यंत्री पुत्र कामा किंस्वित संजन इष्यति। तो जाओ हम ये श्राप देते हैं इसके गर्भ से मूसल होगा। संतों ने कहा एवं प्रब्ध्वा मुनयस्तानुचु कुपिता नृप जनिष्यते वो मंदा मुसलम कुल नाशनम, जो तुम्हारे यदुवंश का नाश कर देगा। यदुवंश में तो भगवान श्री कृष्ण भी आते हैं। श्राप दे दिया तो जब कपड़े को हटाया तो देखा एक मूसल निकला। आज बच्चे विचार करने लगे अब क्या करें, इस मूसल से हमारा विनाश हो जाएगा। उग्रसेन जी के पास गए, उग्रसेन जी ने उसका चूर्ण बनाया लोहे का, चूर्ण बना करके उसको कहा जाओ जाके समुद्र में डाल दो। तच्चूर्ण इत्वा मुसलम यदुराजा साहुकार समुद्र सलिले प्राशन लोहम चाश्यावशेषितम्। आज जहां पर लोहा डाला था वहां समुद्र के किनारे एरका नाम की घास हो गई और वो जैसे कि तीखी तलवार होती है उसकी भांति थी। आपस में ही यदुवंश में सभी बालक लड़ने लगे और क्रोध में आकर एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे, पूरा यदुवंश नष्ट होने लगा। एक छोटा सा लोहे का हिस्सा शेष बच गया था, मछली ने निकल लिया। जब मछली को काट करके निकाला उस बहेलिए ने अपने बाण के आगे लगा लिया, बहेलिए ने अपने बाण के आगे उसको लगा लिया, एक अंश अभी भी उस मूसल का शेष रह गया। कहते हैं यदुवंश के श्राप के बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने नव योगेश्वरों की कथा सुनाई कि नव योगेश्वरों ने आकर के देवकी और वसुदेव जी को सुंदर उपदेश दिए। कवि हरि अंतरिक्ष पिपलायन अग्निहोत्र द्रुमिल चामस करभाजन इस प्रकार के नव योगेश्वर थे। ये ऋषभ देव जी की संतानें हैं जो नव योगेश्वर कहलाए, परम ज्ञानी परम तपस्वी थे। श्री कृष्ण जी का आज उद्धव जी के साथ संवाद हुआ और सच कहूं तो ये संवाद अंतिम संवाद था। आज धीरे धीरे समय ऐसे व्यतीत हुआ, भगवान श्री कृष्ण परम धाम को जाने वाले थे। उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना की प्रभु आप तो चले जाएंगे लेकिन कलयुग आ रहा है, कलयुग के व्यक्तियों की मुक्ति के लिए क्या साधन होना चाहिए। स्तुति करने लगा धेयम सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनुतम शरण्यम भृत्यार्थिहं प्रणति पाल भवाभिपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्वक्त्वा सुदुस्तेज सुरेशितराज लक्ष्मी धर्मिष्ट आर्य वचसा यदगादरण्यम् माया मृगम दयितये सितमन्निधावा
वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश है, ध्यान पूर्वक सुनिए। और बहुत जल्दी भागवत जी का विश्राम होने भी जा रहा है। भागवत जी के एकादश स्कंद के सप्तम अध्याय का ये 14वां नंबर श्लोक, इसमें भगवान उद्धव को एक संदेश और एक संकेत दे रहे हैं। योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निय श्रेषाय में प्रोक्त त्यागा संन्यास लक्षण। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, सत्कर्म करने वाला व्यक्ति मुझ में आकर के मिलता है। संन्यास धारण करना, मेरा भजन करना, अनेक 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 रास्ते हैं, परंतु जो मेरा अनन्य भाव से ध्यान करता है, मैं केवल उसी को ही प्राप्त होता हूँ। श्री यदु जी महाराज का दत्तात्रेय जी महाराज के साथ संवाद हुआ, जिसको हम कहते हैं कि 24 गुरुओं का वर्णन। श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए थे और यदु जी महाराज को सुंदर उपदेश दिया। पृथ्वी वायुराकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरा सिंधो पतंगो मधुकृत गजा मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुररोर्भका कुमारी सरकृत सर्व ऊणना भी सुपेश कृत। 24 गुरु बनाए, पृथ्वी वायु आकाश अग्नि अजगर, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलु का यूं कहे सबके दाता राम, सबके दाता राम। केवल राम जी ही करने वाले, राम जी करवाने वाले, ऐसा मन में भाव होना चाहिए। उद्धव जी के संवाद के बाद यदु दत्तात्रेय जी संवाद सुनाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि स्वयं भगवान नारायण ने हंस अवतार धारण किया। बोलिए हंस अवतार की। हंसोपाख्यान में ब्रह्मा जी को आकर के भगवान ने ध्यान योग समाधि सातों चेतनाओं के विषय में भगवान ने ज्ञान दिया। भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग, सांख्य योग, सिद्धियों के नाम गिनाए। अड़िमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकम्य ईशत्व वशित्व इत्यादि विभूतियों का वर्णन किया, चार आश्रमों का वर्णन किया, ज्ञान भक्ति का वर्णन किया, तत्वों की संख्या बताई और भिक्षु गीत को गाया। तीनों गुणों का निरूपण भी किया। भगवान की पूजा किस भांति करनी चाहिए, इसका भी वर्णन बड़ी सुंदर रूप से कहा। भगवान की पूजा भाव से भी होती है, सामग्री से भी होती है और मंत्र ध्यान क्रिया के द्वारा भी की जाती है। आज एक सेठ जी संत के पास जाकर के कहते हैं, महाराज कोई ऐसा साधन बताओ कि हमारा खर्च भी ना लगे और मेरा काम भी हो जाए, मेरी माचिस तक का भी खर्चा नहीं आना चाहिए। ध्यान से सुनना, सेठ जाकर कह रहा है मेरा माचिस तक का भी खर्चा ना आए और मेरी पूजा पूरी लगनी चाहिए। संत ने कहा मेरे पास एक विधि है, तुम मानसिक पूजा किया करो। मानसिक पूजा कैसे की जाती है? तुम भगवान के कक्ष में बैठो, आसन बिछाओ, नेत्रों को बंद करो और मन में ध्यान करो, चिंतन करो कि मैं ठाकुर जी को जमुना जी के जल से स्नान करवा रहा हूँ, ठाकुर जी को सुंदर सुंदर इत्र से लेपन कर रहा हूँ, इत्र लगा रहा हूँ, ठाकुर जी को चंदन लगा रहा हूँ, सुंदर वस्त्र पहना रहा हूँ, मोतियों की हीरियों हीरे मोती की सुंदर माला ठाकुर जी के गले में पहना रहा हूँ, मोर मुकुट धारण करवा रहा हूँ और भगवान को नित्य दूध का भोग लगाया करना। और भगत जब भोग लगाना तो थोड़ा चीनी डाल देना, क्योंकि मीठा भोग लगाना चाहिए। तुम्हारा एक रुपए का खर्चा नहीं है, केवल मानसिक पूजा करना है। अब तो सेठ जी खुश हो गए हैं। ये तो बड़ी सरल विधि गुरुदेव ने बताई है। घर में गए, जाकर आसन बिछाया, पत्नी को कहा प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करना क्योंकि भगवान की पूजा कर रहा हूँ। धनपत्नी ने कहा दीपक जला लो, अगरबत्ती, कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं खर्च करना है, मानसिक पूजा कर रहा हूँ, मुझे गुरुदेव ने बताया है।
बैठ गए, नेत्रों को बंद कर लिया, मन में सोचने लगे मैंने ठाकुर जी को जमुना जी में स्नान कराया, सुंदर मैंने वस्त्र पहनाए, अरे आज तो मैंने सुंदर ठाकुर जी को कोहिनूर बढ़िया धारण करवाया है, छोटी मोटी चीज नहीं। आ हा हा हा, ठाकुर जी को सोने की बांसुरी अर्पण की, मानसिक पूजा में ठाकुर जी को सोने का मुकुट धारण करवाया और एक बड़े से पतीले के अंदर दूध रख करके भोग लगा रहा है। धन नहीं लगना, बिना धन के पूजा हो रही है, बड़े भाव से कर रहा है। आधे घंटे पूजा की, अगले दिन बैठा एक घंटे पूजा की, एक महीने में ऐसी समाधि लगी, पांच पांच घंटे बैठकर पूजा करता रहता। धर्मपत्नी ने कहा ये कौन सी पूजा करते हो, अरे बड़ा आनंद आता है, मेरा धन खर्च नहीं होता, भगवान की पूजा हो रही है। एक बार मानसिक पूजा कर रहा था भगत, जैसे भगवान के सामने दूध का कटोरा रखा, चीनी डालने लगा, तो रोज से आज चीनी पड़ गई थोड़ी ज्यादा, चार चम्मच चीनी डाल दी। भगत सोचने लगा हो ना हो, अभी दूध गर्म है, घुली नहीं होगी, थोड़ा ऊपर ऊपर से चीनी निकाल लेता हूँ, दो दिन की पूजा में काम आ जाएगी। आज वो अपना हाथ आगे बढ़ा करके दूध के अंदर से चीनी निकालने लगा, वो कंजूस सेठ। भगवान प्रकट होकर कहते हैं, अरे भैया भगत, दूध बहुत गर्म है, तेरा हाथ जल जाएगा, चीनी छोड़, मानसिक पूजा में तेरा कौन सा खर्चा लगता है। जब नेत्रों को सेठ ने खोला तो हकीकत में भगवान ने हाथ पकड़ा था, दिव्य छवि के भगवान के दर्शन किए और आज उसकी मुक्ति हो गई। क्योंकि भगवान को जिस रूप में भजोगे तो हमारी मुक्ति अवश्य होगी, इसमें संशय नहीं है। आज द्वादश स्कंद में हम प्रवेश करते हैं, किस प्रकार भगवान का अवतार इस कलयुग में कल्कि भगवान के रूप में होगा। कई लोग कहते हैं घोर कलयुग आ गया महाराज, घोर कलयुग, अभी कलयुग घोर आया कहाँ है, अरे 5200 कुछ ही वर्ष तो हुए हैं, अभी तो 4,32,000 ये कलयुग की आयु है, कम से कम अभी 4,27,000 वर्ष अभी और हैं, अभी एक चरण भी कलयुग का नहीं हुआ और ये इतना पाप अधम बढ़ चुका है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब धर्म कर्म बंद हो जाएंगे, लोग ब्राह्मणों से द्वेष करना लगे, करना प्रारंभ कर देंगे, ब्राह्मणों का सत्कार नहीं होगा, तो समझ जाना कलयुग आ गया है। जब ब्राह्मण वेद पाठ ना करे, दूसरे के घर में जाकर नौकरी करे, चाकरी करे, तो समझ लेना कि कलयुग आ गया है। क्योंकि ब्राह्मण का कर्म केवल भगवान का भजन करना, भक्तों के दुख को दूर करने के लिए यजमान का कल्याण करना, ये ब्राह्मण कर्तव्य है। दान लेना भी और दान देना भी ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। अध्ययन करना भी, अध्ययन कराना भी ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। हवन स्वयं करना भी, हवन कराना भी ये ब्राह्मण का कर्तव्य होता है। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसः कल्किर् प्रादुर्भविष्यति। अनेक सुंदर सुंदर वृत्तांत सुनाए और कहा, राजन तुमने अभी तक मेरी कथा को सुना 7 दिनों से, आज तक तुमने प्रश्न किए, आज मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूँ। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित से, राजन मैं तुमसे कुछ प्रश्न कर रहा हूँ, इसके उत्तर दो। हाथ जोड़कर राजा परीक्षित बैठा है, गुरुदेव आप आज्ञा करें, क्या करना है मुझे, क्योंकि गुरु की तो आज्ञा होती, गुरु निवेदन नहीं करते कभी, गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। अगर गुरु ने कहा है कि अग्नि में कूद जाओ तो प्यारे कूद जाना चाहिए, क्योंकि गुरु कभी अपने शिष्य का अहित नहीं सोच सकता, कल्याण ही सोच सकता है। मुझे सुबह फोन आया श्रीमान सुनील कपूर जी का, श्रीमती करीना कपूर जी का, कि गुरुदेव आपका आज जन्मदिवस है, पिछले वर्ष हम आपके पास आए थे, इस वर्ष आपने मना कर दिया कि कोई नहीं आएगा, तो मेरी इच्छा है कि आपके जन्मदिन पर मैं किसी को भोजन करवा सकूं, तो 15-20 लोगों को आज मैं मंदिर के सामने जो बैठे होते हैं उनको भोजन करवाना चाहता हूं गुरुदेव आपके नाम से, क्योंकि आप कथा में कहते हो कुछ करना है तो गरीबों को निर्धनों को भोजन कराना चाहिए। ये सत्संग का प्रभाव है,
कि हमारे हृदय में अपने आप ममता त्याग उत्पन्न होती है और सत्कर्म की ओर मन भागने लगता है। कहने लगे, आपने जो नरकों का वर्णन सुनाया, अब तो डर लगने लगा है कुछ चीज करने से, कि जो लोग ये नॉन वेज खाते हैं, बहुत पीते थे ड्रिंक, राम जन्म में दूध मिला, कृष्ण जन्म में घी, कलयुग में मदिरा मिली, प्यारे सोच समझ के पी। ये कलयुग चल रहा है, अगर पीना है तो सत्संग का प्याला पियो प्यारे, सत्संग का प्याला पियो, इसमें जो नशा है आनंद है और कहीं प्राप्त नहीं होगा। आज श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न किया, त्वम तो राजन मरीसेति पशुबुद्धि मिमां जहि न जाता प्रागभूतोद्य देहवत्वं ननंक्षसि। राजन, अगर तुम ये मानते हो कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है तो पशु बुद्धि छोड़ दो, पशु बुद्धि मिमां जहि, क्योंकि आत्मा का तो कभी जन्म नहीं होता, आत्मा अमर है। और तुम सोचते हो सर्प तक्षक आएगा, तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो दिमाग से इस संशय को हटा दो, पशु बुद्धि मिमां जहि, इस पशु बुद्धि को छोड़ दो, क्योंकि जब तुमने जन्म ही नहीं लिया तो तुम्हारी मृत्यु कहां से। हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो, घटे बिन्ने यथाकाश आकाशाद यथा पुरः एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म शपद्यते पुनः। जिस प्रकार एक घड़े के अंदर भी आकाश दिखाई देता है, 10 घड़े में जल भर दो, सब में चंद्रमा दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा एक होता है, घड़े में जैसे प्रहार करो घड़ा फूटता है, वही घड़ा घटाकाश से वो परमात्मा में विलीन हो जाता है, वैसे आत्मा परमात्मा में जाकर के राजन विलीन हो जाती है, उसकी मृत्यु नहीं होती। मना सृजति वही देहान गुणान कर्माणि चात्मनः तन्मनः सृजते माया ततो जीवस्य संस्रति। भगवान इसलिए क्रम बनाते हैं कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी भगवान निश्चित कर देते हैं, जिसने जन्म लिया उसे मरना पड़ेगा, ये सबसे आवश्यक कर्म है। कितना भी धन इकट्ठा कर लो कुछ साथ न जाएगा, लेकिन जो साथ है वो है ईश्वर, उनको मत बिसारो। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी साथ तेरा निभाएगा। जब संसार से व्यक्ति छोड़ करके संसार को जाता है, कोई साथ नहीं होता, पैसा केवल आपके घर तक रहता है, पैसा केवल आपके घर तक रहता है और परिवार केवल शमशान घाट तक रहता है, लेकिन धर्म और कर्म ये दोनों परलोक तक आपका साथ देने वाले हैं, धर्म कर्म हमेशा परलोक लेकर के जाने वाले हैं। विचार हमें करना है। 7 दिन की मेरी इस कथा से अगर आपने एक बात भी सीख ली तो सप्त दिवस की ये कथा मेरी पूर्ण रूप से सफल होगी। सभी यजमानों ने बड़ा सहयोग किया, सभी यजमानों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभाशीष, श्री राधा माधव कृपा करें। किसी के नाम अगर रह भी गए हों, श्रीमान मोहन गुप्ता जी भी और श्री मोहित सैनी जी भी, श्री कुलदीप सैनी जी, अनेक भक्त हैं जिनके नाम शायद रह भी गए हैं, परंतु आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान की डायरी में आप सबके नाम लिख गए हैं, ये निश्चित है। भगवान राधा माधव की कृपा, और आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अब तुम भगवान का चिंतन करो, तक्षक आने वाला है। धीरे धीरे समय बढ़ा, कहने लगे, राजन तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे जो पुत्र जनमेजा है वो सर्वतेष्टि यज्ञ करेगा, आस्तिक मुनि मां मनसा देवी आकर के उस यज्ञ को रुकाएंगे और इंद्र के आसन के नीचे बैठकर तक्षक वहां उस अग्नि में भी आने लगा था।
सारी क्रिया सुखदेव जी ने पहले ही सुना दी कि तुम्हारे जाने के बाद क्या होना है। आज तक्षक आया, उसको रोकने के लिए एक ऋषि थे जिनका नाम था कश्यप। उनके पास ऐसे मंत्र थे कि तक्षक को रोक सकते थे। तक्षक भगवान ने धन दिया ऋषि को, मनाया कि इनके भाग्य में जो श्राप लिखा उसको पूर्ण करने के लिए मुझे जाना चाहिए। तो तक्षक गया और जा करके आज श्री राजा परीक्षित को डसा, और जैसे ही तक्षक ने डसा पूरा शरीर जल करके नष्ट हो गया। शरीर से आत्मा निकली और परमात्मा में जा करके विलीन हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की, दसंतम तक्षकम पादे लीलिहानम विशाननै नाद्रिक्षसि शरीरं च विश्वं च पृथ्वीगात्मना। जो भी इस कथा को सुनता है उसके जीवन में जो काल रूपी तक्षक है उसका कोई भी प्रभाव नहीं होता। जो पितरों के निमित्त अपने श्रीमद् भागवत कथा को करवाता है, पितरों का तर्पण करता है, पितरों का श्राद्ध करता है। श्राद्ध का अर्थ होता है साध्यते इति श्राद्ध, जो श्रद्धा से किया जाए उसे श्राद्ध कहा जाता है। तीर्थ में आकर के हो तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। आज धीरे धीरे समय व्यतीत तो हुआ, सुखदेव जी महाराज वन की ओर चले गए। उसके बाद आज तक किसी ने श्री सुखदेव जी को नहीं देखा। भागवतामृत रसपान करा करके वहां से चले गए। श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं 18 प्रकार के जो पुराण हैं उनमें से श्रीमद् भागवत महापुराण वह पका हुआ फल है उस वृक्ष का, जिसको ग्रहण करने से जन्म मृत्यु के चक्कर से व्यक्ति छूट जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होती है, लेकिन जिसने गोविंद की कथा सुन ली तो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसकी मुक्ति हो जाती है। आज वेदों के अंग को बताते हुए श्री सूत जी ने कहा 18 पुराणों में से सब पुराण श्रेष्ठ हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण मुक्ति प्रदान करने में सर्व अधिक श्रेष्ठ है। ब्रह्म पुराण के अंदर 10,000 श्लोकों में वर्णन मिलता है, उसी प्रकार पद्म पुराण के अंदर 55,000 श्लोकों में वर्णन मिलता है, उसी प्रकार विष्णु पुराण के अंदर 23,000 श्लोक हैं, इसमें भगवान के सुंदर चरित्र, भक्तों के सुंदर चरित्र हैं। शिव पुराण के अंदर 24,000 श्लोकों का वर्णन प्राप्त होता है। लिंग पुराण जिसके अंदर 11,000 श्लोकों का वर्णन प्राप्त होता है। गरुण पुराण जिसको मरणोपरांत सुनाया जाता है उसको गरुण पुराण कहा जाता है, इसके अंदर 19,000 श्लोक होते हैं। श्री नारद पुराण के अंदर 25,000 श्लोक होते हैं। भगवान का बड़ा सुंदर पुराण मत्स्य पुराण के अंदर 14,000 श्लोक होते हैं। अग्नि पुराण के अंदर 15,100 श्लोक होते हैं। भगवान का पवित्र ग्रंथ मार्कंडेय पुराण के अंदर 9,000 मंत्र होते हैं। वामन पुराण के अंदर 10,000 श्लोक होते हैं। वाराह पुराण में 24,000 श्लोकों का वर्णन है। कूर्म पुराण, भगवान ने कूर्म अवतार धारण किया था, 17,000 श्लोक प्राप्त होते हैं कूर्म पुराण के अंदर। और ब्रह्मांड पुराण बड़ा ही उत्तम वर्णन ब्रह्मांड पुराण में भी प्राप्त होता है, 12,000 का ये उत्तम ग्रंथ। सबसे बड़ा ग्रंथ स्कंद पुराण में व्याख्यान है 21,100 श्लोकों का। भविष्य पुराण के अंदर 14,500, ब्रह्मवैवर्तक पुराण के अंदर 18,000 श्लोक, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर भी 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय होते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
अब आप सभी बड़ी श्रद्धा से बहुत ही भक्ति भाव से नेत्रों को बंद करके भगवान के अमृत श्लोकों का श्रवण करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। जो भी व्यक्ति भागवत जी के इन श्लोकों का श्रवण करता है उसको 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। उस व्यक्ति को अपने सर पर वस्त्र रख लें और राधा माधव लाल का चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए, बांके बिहारी जी का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे और भागवत जी के इन श्लोकों का श्रवण करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। एतां योनिते शुणोति भक्तिश्चैनं कथयते सुद्वैष्णवाग्रे तौ सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेते याथाध्यान्यभुवने किमप्यसाध्यं जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञासुरार्थेन ब्रह्महृदयादिकवये मोह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनवयो यत्र सर्गो आमृषा धाम्ना स्वेन सदा निष्कोकं सत्यं परम धीमहि। एवमा भासता पृष्ठा सराज्ञा सलक्षणया गिरा प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवान् बाधरायणी वर्यानेस्ते प्रश्नाकृतो लोकहितो रिप आदिविंशन्ता पुरुषां श्रोतव्यादिषु याव्राराज्ञामुने राज्ञां परिष्टोपिष्टित वोच महामुने तद्विधाशे शुणुत याजपशानुसारता एवमेत पुराविष्टमेत्रव्य भगवान के सत्रामन प्रयुक्तेन त्वक्ता सुग्रीहमृद्धिमत। या इदम शुणोति यो विधत्ते कपिल मुनिर्मत आत्मयोग गुह्यं भगवति के प्रति सुपर्ण के उपलब्धे भगवत पदारविंद मनोसद्रूपते सुकन्या जिग्र आकुति होतिर्चा श्रुतिरिदिवीश्रुता शुणुयादाप्य आत्मा आयुर्धनम यशा स्वस्ति गतम ऐश्वर्यमाप्नुयान् प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथा मुने गृहे रमत यन्मूला कर्मबन्धा पराभवाः भूदीप वर्ष शबद नवा समुद्र पाताल दिन नरक भागण लोक संस्था गीता मया तव निपद्भूतमीश्वरस्य स्थूलं वपुः सकल जीवनिकाय धाम निवृत्ति मार्ग कथिताद् ब्रह्मणा यथा क्रमयोगो विलब्धेन ब्राह्मणा यद संस्कृति तुष्टा स्प्रक्षन्त समस्त कान होमा मशाने होतभुक्षे हरिश्च राजन महन मरुतम जन पुण्यम राजन महन मरुतम दिते वितम चाभितम महते समः प्रियंशोद्भ्रम भूतान भगवान से इंद्र शायद कथम देता नवधि दुसुमो यथा इति दक्षायन प्रथम शुभकीर्तिता दिवसुमनु शायद लोका यत्र चरा चरा स्वयं भूव से गुरु वंशु विस्त्राक्षुदा यत्र विश्वजाम सर्ग मनिन्यान वदस्वना एवं सतोक्ति वस्तव गृहम विहाय मनो चतुर्वतिष्कन्या जुग्र आकुति देवहूति प्रसूति ऋतिविश्रुता मनोमंत्राणि सर्वाणि त्रयोक्तानि सिद्धानि च वीर्यानि वीर्यांश्च हरेस्तत्कृतानि च पृथिव्या सा वै गुरुं क्षपेन कूणाम् अन्ता समुत्कलिना युधिभूपचम्प्वा दृष्ट्या विधूय विजये जयमुद्विघोष प्रोचोद्धवाय च परं संगात च धाम सुधाम अनुगते कृष्णे यधो वंश विभूषणे कस्य वंशोद्भवा पृथ्वा मेतदा चक्षुमे मुने नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणाम दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य 6 अध्याय 504 श्लोकों में वर्णन भक्ति ज्ञान वैराग्य श्री नारद जी का सुंदर संवाद सनकादिक ऋषियों के द्वारा कथा का सुनाना धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्णलोक फलप्रदा धुंधुकारी की मुक्ति का प्रसंग प्रथम स्कंद के अंदर 19 अध्यायों में 809 श्लोक 6 प्रश्नों का पूछना श्री सुखदेव जी का जन्म की कथा सुखदेव जी के जन्म की कथा के बाद सुंदर रचना श्रीमद् भागवत महापुराण की महाभारत की कथा सुंदर भीष्म जी ने स्तुति भगवान श्री कृष्ण की तक्षक के काटने से
राजा परीक्षित की मृत्यु होगी ऐसा श्राप श्रृंगी ने दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हरि दंग 37 में कुलांगारम चोदितों में तदद्रुहम। दूसरे स्कंद के अंदर 10 अध्याय सृष्टि वर्णन की कथा सुनाई श्री सुखदेव जी महाराज ने। 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत को सुनाया, 391 श्लोक। तृतीय स्कंद के अंदर 33 अध्यायों में 1411 श्लोकों में श्री सुखदेव जी महाराज ने सुंदर वर्णन श्री विदुर जी महाराज के साथ भगवान का मिलाप होना, विदुरानी के घर केले के छिलकों का पान करना, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास करना, पांडवों को अनेक कथा सुनाई, श्री कर्दम जी महाराज का प्रादुर्भाव होना, कर्दम जी के घर में नव कन्याएं और श्री कपिल देव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। चतुर्थ स्कंद के अंदर भगवान भोलेनाथ का विवाह सती के साथ किस भांति हुआ और दक्ष प्रजापति के शीश को किस भांति भगवान भोलेनाथ ने काटा। और आज भगवान के अनेक भक्तों का प्रसंग, श्री ध्रुव चरित्र, उत्तान पाद के घर में स्वयं भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। 1445 श्लोकों में 31 अध्यायों में वर्णन पंचम स्कंद। श्री भरत जी महाराज का संवाद रहुगण के साथ संवाद हुआ, रहुगण को श्री भरत जी महाराज ने उपदेश किया, मृग शावक में आसक्ति हो गई थी, मृग बनना पड़ा तो अवज्जर भरत बन करके रहुगण को अनेक अनेक उपदेश दिए। 668 श्लोकों में सुंदर वर्णन प्राप्त होता है 26 अध्यायों में। 851 श्लोक षष्ठम स्कंद के अंदर अजामिलोपाख्यान सुनने को प्राप्त होता है, किस भांति अपने पुत्र का नाम अजामिल ने नारायण रखा, जिसके नाम लेने से यम के दूत भी भाग गए, विष्णु के पार्षद आकर अजामिल को भगवान के धाम लेकर के गए। 19 अध्यायों में वर्णन प्राप्त होता है। 750 श्लोक और 15 अध्याय सप्तम स्कंद, जिसमें प्रहलाद जी के सुंदर चरित्रों का वर्णन, स्वर्णम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाश्यम सख आत्मनिवेदनम, नरसिंह भगवान बनकर के प्रहलाद की भगवान ने रक्षा की, नरकों का वर्णन सुनाए, वृत्तासुर के ऊपर भगवान ने कृपा की। अष्टम स्कंद के अंदर भगवान ने गजेंद्र के ऊपर नहीं, ग्राह के ऊपर कृपा की और आज गजेंद्र मोक्ष की सुंदर कथा सुनाई। समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ, अमृत का कलश निकला, भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया, राक्षसों को मदिरा पान कराई। फिर वामन भगवान बनकर के राजा बलि के पास और आए और आकर के उन्होंने 3 पग भूमि मांगी, पृथ्वी नापी, 1 में दूजे में आकाश, 3 पद कहाँ रखूं, सारे असुर निराश। 24 अध्याय 931 श्लोक अष्टम स्कंद के अंदर। नवम स्कंद में इक्ष्वाकु कुल सूर्यवंश का वर्णन प्राप्त होता है, जहाँ खटवांग के दीर्घबाहु के रघु के अज के दशरथ के भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हुए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। 24 अध्याय 964 श्लोकों में वर्णन नवम स्कंद के अंदर प्राप्त होता है। अनेक अनेक ऋषियों का भगीरथ भगवान ने किस प्रकार से अपने पितरों के मुक्ति के लिए भगीरथ जी ने गंगा को इस धारा पर लेकर के आए। जो भी इस भागवत गंगा को श्रवण करता है उनके भी पितरों की मुक्ति हो जाती है। दशम स्कंद के अंदर भगवान ने किस प्रकार वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से कारागृह में जन्म लिया। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। अस्या तुम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुद। कंस को भय था कि अष्टम मेरा काल बनेगा, लेकिन भगवान ने जन्म लेकर के गोकुल में जाकर के अनेक लीलाएं की, पूतनासुर, शक्टासुर, वृत्तासुर, तृणावर्त, व्योमासुर, अनेक अनेक राक्षसों का, अघासुर का, बकासुर का उद्धार किया। 7 वर्ष की आयु में भगवान ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोले गिरिराज धारण भगवान की जय। पूर्वार्ध में 49 अध्याय 2013 श्लोक। भगवान ने वेणु वादन किया, महाराज की सुंदर लीला हुई, भ्रमर गीत लीला हुई, गोपियों ने उद्धव जी के ज्ञान को भी ढक दिया। भगवान का आज प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। बोली रुक्मणी मंगल भगवान की। 3986 श्लोकों में उत्तरार्ध के अंदर वर्णन आया है।
41 अध्यायों में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों को मिलाकर 90 अध्याय 5,959 श्लोकों में दशम स्कंध। भगवान ने सत्राजित राजा को समझाया, भगवान के 16,108 विवाह हुए, बाणासुर का भगवान ने उद्धार किया, दुविध का उद्धार किया, शाल्व का भगवान ने उद्धार किया, अनेक अनेक राक्षसों को मारा। भगवान के एक परम मित्र नाम था सुदामा, सुदामा के ऊपर भी भगवान ने अनन्य कृपा की। आज सुभद्रा जी का हरण हुआ और धीरे धीरे भगवान ने ऋषियों को भेजा कि जाकर के यदुवंशियों को श्राप लगे। एकादश स्कंद के अंदर 31 अध्याय 1367 श्लोक, जिसमें सभी ऋषियों ने श्राप दिया, मुस्लिम कुल नाशनम, ये जो मुसल होगा तुम्हारे कुल का नाश करेगा। एरका नाम की घास बनी, सब अपने आप को मारने लगे। आज बहेलिए ने अपने बाण में उस लोहे के उस भाग को लगा करके प्रहार किया, भगवान के चरण पर जा करके वह बाण लगा और भगवान की ज्योत निकल करके अनंताकाश में घूमती हुई श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर प्रविष्ट हो जाती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की 566 श्लोक 13 अध्याय 12वें स्कंद में स्वयं राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तुम्हें डर तो नहीं है? तुम तो राजा मरिष्यति पशु बुद्धि इमाम जही, अगर तुम मरने वाले हो तो इस पशु बुद्धि को छोड़कर अपना मन भगवान के चरणों में लगाओ। तक्षक आया, डसा और आज पूरा शरीर धू धू करके जलने लगा, नष्ट हो गया। आत्मा निकली, सुखदेव जी को प्रणाम करके भगवान के चरणों में आत्मा विलीन हो गई। धन्य है राजा परीक्षित जिसको कथा सुनाने के लिए स्वयं परमहंस सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। हम बारंबार श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोली सुखदेव जी महाराज की जय। आज द्वादश स्कंद के 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक, जिसका आप सभी लोग मेरे साथ पाठ करेंगे, जिसके श्रवण करने से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणाम दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री राजा परीक्षित की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनकादिक ऋषियों की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री जमुना महारानी की जय। श्री भक्ति महारानी की जय। श्री रज रानी की जय। श्री ब्रज की महारानी की, श्री राधा रानी सरकार की, अयोध्या नाथ की, श्री राम लला की, श्री वराह के हनुमान जी महाराज की, कामताना स्वामी की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिन जिन भक्तों ने
श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर अपनी सेवा प्रदान की है। एक स्थान पर आग लगी हुई थी और वहां एक कौवा और एक छोटा सा पक्षी, एक चिड़िया वहां पर बैठी। इतनी आग फैल गई, चिड़िया वहां से उड़ी और थोड़ा जल लेकर के उसको बुझाने लगी। एक बार, दो बार, तीन बार, 20 बार प्रयास किया, थकने लगी। कौवे ने कहा, अरे तुम एक छोटी सी चिड़िया हो, क्या आग बुझा सकती हो? तो आज चिड़िया कहने लगी, जब इतिहास मेरा नाम लेगा तो बड़े सम्मान से लेगा कि मैं कौवे के पास बैठ करके दृश्य नहीं देख रही थी, मैं उस अग्नि को बुझाने का प्रयास कर रही थी कि जितना मेरे चोंच के अंदर जल आ सकता है मैं उतना ही कर सकती हूँ। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में जिन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग प्रदान किया, और सच कहूँ तो श्रीमद् भागवत महापुराण की आप सब पर कृपा थी, जो आप सभी का कुछ ना कुछ अंश लग सका कि ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ ये आज पूर्ण हो पाया। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। जो हमारे यजमानों में प्रथम हैं वो मेरे श्री राम लला अयोध्या धाम से, प्रभु राम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री वृंदा विपिन बिहारी जी वृंदावन धाम से, श्री विपिन द्विवेदी जी उनको भी बहुत बहुत परमात्मा की कृपा बनी रहे, शुभाशीष। श्री रमेश शर्मा जी पुत्र श्री मुनीश शर्मा जी, श्रीमती साक्षी शर्मा जी पुत्र दानिश शर्मा जी अमृतसर से, आपको भी अनंत शुभकामनाएं। श्रीमान दिनेश शर्मा जी, श्रीमती अनीता शर्मा जी पुत्र राकेश शर्मा जी, राकेश पुत्र साहिल शर्मा जी ऑस्ट्रेलिया से, राकेश जी हमारे न्यूजीलैंड से जो भगवान की कथा सुनते रहे हैं, पूरे शर्मा परिवार को अनंत शुभकामनाएं, शुभाशीष। श्री राजेश शर्मा पुत्र ऋषभ शर्मा जी न्यूजीलैंड से, श्रीमती अंजू शर्मा जी पुत्री वंशिका शर्मा जी उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये गुड़िया भी कनाडा जा रही है। श्री संजीव शर्मा जी पुत्र रजत शर्मा जी दिल्ली से, श्रीमती वर्मा वंदना शर्मा जी पुत्र अंश शर्मा जी दिल्ली से, इनके लिए भी बहुत मंगल कामनाएं। श्रीमान सुनील कपूर जी, श्रीमती करीना कपूर जी एमएस कपूर ज्वेलर वाले जुगियाल पठानकोट से, इनके लिए भी शुभकामनाएं। श्री संदीप गुलाटी जी पत्नी श्रीमती सीमा गुलाटी ललिता सखी जी, उनको भी बल्टाने से अनंत शुभकामनाएं। श्रीमान रमन वशिष्ठ जी पत्नी श्रीमती परवेश शर्मा जी पुत्र केतन शर्मा पंचकुला से, जिन्होंने पूर्व पिछले वर्ष हमारी कथा करवाई थी, इनका भी पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हुआ। श्री सत्यनारायण शर्मा पत्नी श्रीमती प्रवीण शर्मा पुत्र तरुण शर्मा अनुपमा शर्मा जी चंडीगढ़ से, इनके लिए मंगल कामनाएं। मोनिया सैनी व ज्योति लबाना जी चंडीगढ़ से मंगल कामनाएं। श्री प्रकाश सैनी पुत्री परवीन रानी सैनी चंडीगढ़ से, पितरों की कुल देवताओं की कृपा बनी रहे। श्रीमान कुलदीप सैनी पत्नी श्रीमती उर्मिल सैनी चंडीगढ़ से, इनके लिए भी अनंत शुभकामनाएं, भगवत कृपा बनी रहे। श्री सुरेश तिवारी जी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन तिवारी जी, इनके लिए अनंत शुभकामनाएं। श्री अवधेश तिवारी जी, इनके लिए शुभकामनाएं। श्री विजय कुमार जी पत्नी श्री पूजा जी, ये पुलिस में है पठानकोट में, देश की सेवा में रत हैं, इनके लिए भी अनंत शुभकामनाएं। श्री तपेंद्र जी ये भी सेवा में रत हैं देश की पानीपत से, श्री दीपक शर्मा जी पटियाला, श्री गुरविंदर सिंह जालंधर से, श्री अमित सुमित सैनी जी लुधियाना से, मोहन गुप्ता जी दिल्ली से, और श्रीमान संजीव बंसल जी और श्रीमती ऋतु बंसल जी मोहाली से। पुत्र आदि और पुत्री सारा जी को भी अनंत शुभकामनाएं, राधा माधव की कृपा आप सभी जजमानों के ऊपर बनी रहे। आज ये यज्ञ विश्राम हुआ है, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती।
खपत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों का मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आ